हेलो फ्रेंड्स, प्रियंकास किचन केक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सा फ्लोरल डिज़ाइन केक बनाने वाले हैं और ये केक हमारा होगा कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर में। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे केक की बेकिंग, आइसिंग एंड डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स, केक का बेस रेडी करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे हमारा वेनीला प्रीमिक्स। बट फ्रेंड, हम इसे ऐसे ही नहीं बेक करेंगे, इसमें हम कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये केक हमारा हाफ के जी का होने वाला है, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ड्रॉप पिंक फूड जेल कलर के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप रोज़ एक्सट्रैक्ट। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और हम इसके बाद इसे बलून विस्कर की हेल्प से अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने बैटर को अच्छे तरीके से बलून विस्कर की हेल्प से फेंट लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम बैटर को 6 इंच के केक टिन में डालेंगे फ्रेंड्स, और इसे हम प्री हीटेड अवन पे 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। बैटर डालने के बाद हम केक टिन को इस तरीके से 3-4 बार टैप करेंगे ताकि जो भी उसमें एयर बबल्स रह गए हैं वो निकल जाएं और हमारा स्पॉन्ज अच्छे से रेडी हो। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लिया है और मैं उसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट कर रही हूँ। जब तक हमें अच्छे से स्टिप पिक ना मिल जाए तब तक हम इसे अच्छे तरीके से बीट करना है। हमारा केक स्पॉन्ज बेक होकर रेडी है और ये ठंडा भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर का लेयर निकाल लेंगे जो हल्का सा डोम शेप आ गया है। और फ्रेंड, जो ये थोड़ा ऊपर का जो लेयर रहता है इसे हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। ऊपर का लेयर रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसे 3 पार्ट में लेयरिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये हमारा सबसे ऊपर का लेयर रहता है केक का, इसे हम जब केक असेंबल करते हैं उस टाइम पे हम इसे सेंटर वाले लेयर पे लेते हैं, और जो सबसे नीचे वाला हमारा केक का लेयर होता है उसके लिए हम जो हमारा सेंटर वाला लेयर होता है वो यूज़ करते हैं। जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है वो हम सबसे टॉप पे रखते हैं, उससे फ्रेंड्स केक का शेप बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे केक के लेयर कट के रेडी हैं। अब इसके बाद हम हमारे केक का बेस लेंगे। यहाँ पे मैंने 8 इंच का केक बेस लिया है, उस पर क्रीम अप्लाई किया, उसके ऊपर हम अपने केक का फर्स्ट लेयर रखेंगे और फिर फ्रेंड्स इसे हम सोक करेंगे। फ्रेंड्स, सोक करने के लिए मैंने दूध में थोड़ा सा इलायची और केसर ऐड किया है। इलायची फ्रेंड हम थोड़े से दूध में बॉईल करके फिर उसे ठंडे दूध में मिक्स करेंगे, और उसके साथ ही फ्रेंड्स हम केसर भी इसमें मिक्स करेंगे। इससे हमें बहुत ही अच्छा कुल्फ़ी का फ्लेवर मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये केक का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कस्टमर को ये केक काफ़ी पसंद आया था। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं केक देने के बाद में ही बना रही हूँ, तो ये बहुत ही पसंद आया था हमारे कस्टमर को। उन्होंने मुझे बोला था कि चॉकलेट फ्लेवर छोड़ के और कोई सा भी फ्लेवर चलेगा, तो मैंने सोचा कि चलो हम कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर ही बनाते हैं, इसके साथ ही मैं आपके लिए ये वीडियो भी बना पाऊँगी। अब फ्रेंड्स, हम अपने क्रीम के फर्स्ट लेयर के ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और उसे पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो हम फिलिंग डालने वाले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो हमारे केक के फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती है और हमारे केक को एक बाइट भी देती है। क्रीम को अच्छे तरीके से लगाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर क्रश ऐड करेंगे, और क्रश को हम पूरे केक में अच्छे तरीके से फैलाएंगे ताकि हर साइड में ये फैले और हमें अच्छा सा पूरे केक में एक जैसा फ्लेवर मिले। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू, जिसे हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ है। इसे भी हम पूरे केक में अच्छे तरीके से डाल देंगे हर साइड पे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा चोको चिप्स डाला है, वाइट चोको चिप्स, इसे भी हम पूरे केक में अच्छे तरीके से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें फिलिंग भी कितनी अच्छी डली हुई है। इससे फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई करें ये केक, आई एम श्योर आपको भी ये केक बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ये अपने केक का बीच वाला लेयर लिया है और इस पर भी फ्रेंड्स हम ये सेम प्रोसेस
अप्लाई करेंगे और फिर हम इसमें अपना थर्ड और फाइनल लेयर रखेंगे और इस लेयर को भी फ्रेंड हम अच्छे से अपने मिल्क, इलायची और केसर वाले मिक्सचर से अच्छे तरीके से सोक कर लेंगे। अच्छे तरीके से सोक करने के बाद में फ्रेंड्स हम इसके ऊपर क्रम कोडिंग करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया है जिसे मैं कहीं कहीं पे लगा कर गैप पे और फिर ऊपर के लेयर में भी थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी और इससे हम अच्छे तरीके से हमारे पैलेट नाइफ की हेल्प से पूरे केक में क्रीम को फैलाते हुए अच्छे से क्रम कोडिंग कर लेंगे। और क्रम कोडिंग करने के बाद में फ्रेंड्स हम इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद जब हमारा केक सेट हो जाएगा उसके बाद हम हमारे केक की फाइनल आइसिंग करेंगे। इसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम लिया है और उससे मैं फ़ाइनल आइसिंग कर रही हूँ अपने केक के ऊपर। फ्रेंड्स मैंने साइड वॉल पे भी क्रीम लगा लिया था बट उस टाइम मैंने कैमरा ऑन करना भूल गया था और अब हम उसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे तरीके से फैला लेंगे क्रीम को पूरे केक में। अच्छे तरह से हम इसे लेवल करते हुए फैला लेंगे और अब एक स्क्रैपर की हेल्प से हम अच्छे से अपने क्रीम को क्लीन कर लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो हमारे केक से हट जाए और इसमें एक अच्छा सा स्मूथ सा फिनिशिंग आ जाए। फ्रेंड्स तो हम अपने टर्न टेबल को घुमाते हुए स्क्रैपर की हेल्प से साइड वॉल को क्लीन कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने एक कॉम लिया है जिससे हम अपने केक में एक पैटर्न देंगे और फिर ऊपर का जो हमारा केक है उससे हम फिनिशिंग देंगे। इसके लिए हम पैलेट नाइफ़ को पानी में गीला करके और बार बार हम इसे क्लीन करेंगे और फिर पानी में डोब कर फिर हम इसे अपने क्रीम को एक्स्ट्रा क्रीम जो है हमारे केक के ऊपर उसे हटाते जाएंगे। फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक साइड से क्रीम लेते हुए अपने तरफ पैलेट नाइफ़ को खींचना है। इस मेथड से फ्रेंड्स केक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन होता है पर याद रखें कि हमें हर बार अपने पैलेट नाइफ़ को अच्छे से क्लीन करना है। अगर उसमें क्रीम लगा रह जाएगा तो हमारी केक की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। अब फ्रेंड्स मैंने ये सिलिकॉन ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से मैं केक के टॉप पे एक पैटर्न क्रिएट करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस ब्रश को सिर्फ सेंटर पे रख के हमें अपना टर्न टेबल टर्न करते हुए घुमाते हुए ब्रश को बाहर की तरफ लाना है और आप देख सकते हैं इससे कितना सुंदर एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है और काफ़ी आसान तरीके से। अब मैंने ये एक N1 नोज़ल लिया है और इसकी हेल्प से हम अपने केक में डिज़ाइनिंग करेंगे फ्रेंड्स और इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया। फ्रेंड्स अब पाइपिंग बैग से हम इस तरह से अपने केक पे रोजेट बनाते हुए एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स पहले मैं चारों कॉर्नर पे एक एक रोज़ बना लूँगी जिससे कि हमारा डिज़ाइन सिमेट्री से बनता है। और फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का ऑरेंज कलर का रोजेट बनाया था और इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा उससे लाइट कलर लिया है जिससे मैं अभी रोजेट बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये रोजेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक रोजेट और आएगा तो मैंने वहाँ पे एक रोजेट और बना लिया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा कितना सुंदर रोजेट बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर जिस नोज़ल से हम रोज़ बनाते हैं फ्रेंड्स वो लेंगे और इसका जो निकला हुआ पार्ट रहता है जैसा हमारा नोज़ रहता है तो जो निकला हुआ पार्ट रहता है वो हम नीचे के साइड में रखेंगे और एक एक पेटल ऐसे बनाते हुए हम फ्लावर का डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स ये फ्लावर भी काफ़ी सुंदर लगता है केक के ऊपर। इस तरीके से हम आराम से पहले एक पेटल बनाएंगे फिर उस पेटल के नीचे से हम स्टार्ट करते हुए दूसरा पेटल बनाएंगे। इसी तरीके से हम 5-6 पेटल एक फ्लावर में बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे 2 फ्लावर बन के रेडी हैं। आप देख सकते हैं मैं पहले पेटल बनाती हूँ फिर उसके पीछे से दोबारा स्टार्ट करना है हमको। एक पेटल के पीछे से दूसरा पेटल बनाना स्टार्ट करना है और इस तरीके से हम सुंदर सा फ्लावर हमारा रेडी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे बाकी फ्लावर्स भी बन के रेडी हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हम हर फ्लावर के बीच में एक ये गोल्डन पर्ल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये एडिबल होते हैं और इससे हमारे केक का लुक और भी बढ़ गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बॉल मेरे हाथ से साइड में चला गया था, खैर कोई बात नहीं, मैंने उसे ठीक से सेंटर पे लगा दिया है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑरेंज कलर की क्रीम बची है उसी में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करके हमारे केक में
ग्रीन पेटल्स भी बनाएंगे फ्रेंड्स। ऑरेंज कलर में ग्रीन कलर मिक्स करने के बाद में काफ़ी सुंदर सा डार्क सा कलर आया था हमारे ग्रीन कलर का, और उसी से मैंने ये लीव्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा केक बनके रेडी हो गया है। हम थोड़े थोड़े दूर पे कहीं कहीं पे ये लीव्स बनाएंगे फ्रेंड्स। बनने के बाद ये केक बहुत ही सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक पूरी तरीके से रेडी हो गया फ्रेंड्स। ये एक एनिवर्सरी केक था जिसके लिए मैंने इसके सेंटर पे जिनके लिए ये केक था उन कपल के नाम का फर्स्ट लेटर इस पे लगा दिया, और बीच में एक छोटा सा हार्ट फ्रेंड्स। ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट डाल के ये लेटर्स बनाए हैं फ्रेंड्स। आगे भी मैं आपको सुंदर सुंदर डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके बाय।